हेलो फ्रेंड राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बस झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब करके मैंने नहा लिया और नहा के फिर मंदिर साफ़ किया। मंदिर साफ़ करके फिर लड्डू गोपाल को नहलाया और अभी मैं कर रही हूँ पूजा। तो आज ना हरियाली तीज भी है, तो आप सभी को हैप्पी हरियाली तीज। ये ब्लॉग तो मेरा आपको थोड़ा लेट मिलेगा, 2 या 3 दिन लेट मिलेगा। मेरे ब्लॉग 2 दिन लेट चल रहे हैं क्योंकि गुनू की तबीयत ख़राब है ना, तो उसकी वजह से फिर एडिट नहीं कर पा रही हूँ टाइम पे। लेकिन मैं ना पूरी कोशिश करूँगी कि आपको टाइम पे मैं ब्लॉग दूँ। तो अभी मेरी पूजा भी हो गई है और आज हरियाली तीज पे लगाया है मैंने लड्डू गोपाल को हरे हरे लड्डुओं का भोग। और मेरे गोपाल ने भी हरी पोशाक पहनी है, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। और आज ना सुबह से ही बारिश हो रही है, अभी तो थोड़ी कम हो गई है, सुबह में बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अभी गुन्नू भी जग के आ गई है अपनी डॉल के साथ में। ये घर में रहती है तो पूरा दिन इसको लेके घूमती रहती है, इसको बहुत पसंद है डॉलों से खेलना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश सॉरी लाइट नहीं आ रही है सुबह से ही। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, तो फटाफट से पहले मैं चाय पीऊँगी। वो क्या है ना, आज ना मतलब लाइट नहीं आ रही है रात से ही, तो ठीक कराएंगे अभी कोई आएगा तो। वैसे तो लाइट वाले को फ़ोन कर दिया है और ये हमारी चाय भी बन गई है, तो फटाफट से पहले हम चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद में करते हैं बाकी के काम। चाय वाय पी के अभी मैं आ गई हूँ किचन में, गुन्नू की ब्रश वगैरह को धुल के रखूँगी और उसके लिए खाने में मैं खिचड़ी बनाऊँगी। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए फिर मैं खिचड़ी बनाऊँगी उसके लिए। और जो भी किचन के छोटे मोटे काम है वो सभी को ख़त्म करूँगी, जैसे कि बर्तनों को स्टैंड पर लगाना और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सब। हरियाली तीज पे ना बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, लेकिन ना तो मेरी ससुराल में कोई रखता है और ना ही मायके में, तो इसलिए फिर मैंने भी कभी नहीं रखा। और खाना भी मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है, शाम को ही बनाऊँगी क्योंकि सुबह भाई गया था ना, तो उसके लिए फिर मैंने सब्जी और चपाती बना दी थी। और अभी गुनू के लिए खिचड़ी बनाई है, तो यही सब मैं भी खा लूँगी और फिर शाम को देखती हूँ क्या बनाना है, क्योंकि सब लोग होते हैं खाने वाले तभी खाना बनाने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे ही गुन्नू खेल रही है, अपने कलर वगैरह लेके बैठ गई है। यही मैंने कपड़े डाल लिए हैं फोल्ड करने के लिए, अभी मेरा पार्सल आया है तो वो लेने के लिए मैं जा रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से एक कुर्ती सेट मंगाया है, तो आपको दिखाती हूँ इसको खोल के। तो पहले ना मैं गुन्नू को बनाना खिला रही थी, तभी उसका फ़ोन आया था, तो पहले मैं इसको खिला देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो कुर्ती सेट मंगाया है वो कैसा है। इसको ना मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी लेकिन इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे, तो जैसे ही इसके प्राइस कम हुए तो मैंने फटाफट से इसको ऑर्डर कर दिया और ये मेरे पास में आ गया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार, आप देख सकते हैं प्योर कॉटन में है, बहुत प्यारा है। इसका जो कलर है ना वो कुछ इस टाइप का, जैसे ब्लू में थोड़ा सा ग्रीन को मिक्स कर दो ना तो जो कलर बनता है उस टाइप का इसका कलर है। अंगरखा स्टाइल में इसका गला है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये है इसका प्लाजो पैंट ऑफ वाइट कलर में, और जिस कलर की कुर्ती है ना उस कलर का इस पर प्रिंट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। इसके प्राइस थे 950 रुपये, तो मैंने उसको ना उस टाइम पे नहीं लिया, जैसे ही इसके प्राइस कम हो गए 600 रुपये हो गए थे तब मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, तो ये मुझे मिला है ओनली 600 रुपये में। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एकदम प्योर कॉटन है। मैं आपको पहन के भी दिखा दूंगी लेकिन इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि आज ना काम काफ़ी ज़्यादा है, नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो लेकिन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अभी मैं कर रही हूँ सेंटर जाने की तैयारी, तो यहाँ पे मैं गुन्नू के लिए एक ब्रेड सीख के रख दूंगी, मैंने उसको खिचड़ी खिला दी है वहाँ पे, थोड़ा बहुत वो लोग खिला देते हैं वरना ये ऐसे ही बच्चा लाती है। और ये गुन्नू भी हो गई है रेडी, तो फटाफट से फिर हम निकल लिए सेंटर के लिए। तो अभी बज गए हैं 5:10 हो रहे हैं, हम लोग अभी सेंटर से आए हैं और गुन्नू यहाँ पर आती अपने कलरों में लग गई। मैंने इनको रखा नहीं था, ऐसे ही मैं छोड़ गई थी। और अभी ना मैं रात के खाने की कुछ तैयारी करके रख के जाऊंगी क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं बनाया है ऐसा, तो फिर रात को ही बनाऊंगी। तो आज मैं खाने में बनाऊंगी खीर और कचौड़ियाँ, तो बस उसी की तैयारी करके रख के जाऊंगी। फिर मुझे ना 6 बजे पार्क भी निकलना होगा गुन्नू के लिए, तो फटाफट से मैं पहले तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि रात को ना 8 बज जाते हैं वहाँ से आके, फिर नहा के दीपक जलाना होता है, पूजा वूजा करो तो फिर 8 बज जाते हैं, फिर 8 बजे से खाना बनाना स्टार्ट करो तो सीधे जाके 10 ही बजते हैं क्योंकि 2 घंटे तो लग जाते हैं इन सारे कामों में। तो मैं यहाँ पर ना आलू बॉईल करके रख जाऊँगी और आटा लगा के रख जाऊँगी और चावल गला के रख जाऊँगी खीर के लिए, ताकि जब मैं पार्क से आऊँ तो मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे, फटाफट से मैं खाना बना लूँ।
और फिर ना गुनगुन को भी टाइम देना होता है, तो उसको घर के लिए भी होमवर्क वगैरह मिलता है, स्कूल से भी मिलता है, थेरेपी सेंटर से भी मिलता है, तो वो सब कराना होता है। और काफ़ी सारी एक्टिविटी होती हैं जो घर पे करानी होती हैं। वैसे तो उतना टाइम नहीं मिलता है मेरे को घर पे कराने के लिए, तब से वो स्कूल जा रही है तब से, लेकिन फिर भी जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कराती हूँ उसको। तो फ्रेंड अभी मेरे किचन के सारे काम हो गए हैं और मेरी चाय भी बन गई है, तो फिर मैं कूलर के आगे आके लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि आधे पौने घंटे से किचन में लग रही हूँ, हालत ख़राब हो गई। आधा पौना घंटा ही ना बहुत भारी पड़ता है इस टाइम पे, सर्दियों में तो कोई नहीं चल जाता है, लेकिन गर्मियों में हालत ख़राब हो जाती है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ी देर में गुनू को पार्क में खिला लाती हूँ 1-1.25 घंटे के लिए। तो मतलब कि अभी टाइम हो रहा है समथिंग 6:15 का टाइम हो रहा है, तो 7:30 तक हम घर पे आ जाएंगे। तो थोड़ा बहुत वो बाहर खेली आती है तो उसका भी मन लग जाता है। पार्क से आके मैंने नहाया और नहा के फिर पूजा की, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। एक गैस पे मैंने खीर चढ़ा दी है बनने के लिए, और एक पे मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। फटाफट से फिर मैं आलू की चटनी भी बना के रख दूँगी कचौड़ी बनाने के लिए। और यहाँ पे ना गुन्नू अपनी डॉलों को लेके घूम रही है, मैंने ना इसका कारपेट यहाँ से हटा दिया है, तो ये लेके घूम रही है कि कहाँ पे इनको सुलाऊँ, बहुत टेंशन में है। तो फिर मैं इसके लिए पहले चारपाई बिछा देती हूँ बालकनी से ला के। ये देखो चारपाई बिछते ही ना इसने अपनी दोनों डॉल लेटा ली हैं, और खुद उन्हीं के पास में लेटने की कोशिश में है। जगह देख रही है अपने लिए, जगह नहीं मिल पा रही है उसको, जैसे उसके लिए जगह हो जाएगी वो सेट हो जाएगी इन्हीं के बीच में। इसको ना अपनी डॉलों से बहुत प्यार है, पूरे दिन इनको लेके घूमती रहती है, रात को अपने पास में ही सुलाती है, इनके बिना ना इसको नींद नहीं आती है। और ये मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी, ऑयल डाल दिया है, फटाफट से बनाऊँगी कचौड़ी। मेरी खीर भी बन के रेडी हो गई है, तो अभी पहले मैं गौ माता के लिए पूड़ियाँ निकाल दूँगी। कचौड़ियाँ गौ माता खाएगी नहीं, ऐसे ही छोड़ जाएगी, और फिर उसके बाद में हम लोगों के लिए मैं कचौड़ियाँ बना लूँगी। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।